नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपको सहारनपुर के उस विधायक से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी मेहनत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर सहारनपुर से लखनऊ तक का सफर तय किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहट से विधायक नरेश सैनी जी मौजूद हैं। नरेश सैनी जी, पहले तो बीजेटी न्यूज़ पर बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जब आप आए तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं, लोगों की, जनता की आवाज़ सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। विधायक जी, कांग्रेस के मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो अभी अखिलेश यादव ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी के अंदर उतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं, छोटा सा दल है। तो छोटा सा दल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा कैसे? क्या इसकी उम्मीदें अब नाम मात्र ही बची हैं? अब बस संघर्ष हो रहा है कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने का। देखिए, वो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो कहा उनकी सोच होगी, लेकिन उन्हें ये भी याद रखना चाहिए जब संसद में कोई संघर्ष होता है उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करते हैं। और राहुल गांधी जी 14 पार्टियों को लेकर वहाँ संसद में पैदल यात्रा की और उसमें समाजवादी पार्टी के नेता थे सब लोग। तो मैं नहीं कह सकता उन्होंने किस हिसाब से कहा होगा। वो कह रहे हैं कि देश में तो बड़ी हो सकती है लेकिन प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं, छोटा दल है कांग्रेस। प्रदेश में वो किस हिसाब से कह रहे हैं मैं नहीं कहता। लगातार सड़कों पर कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है और वो कह रहे हैं इस बात से, क्योंकि 7 विधायक कांग्रेस के जीत के गए थे, 45-47 वो थे, तो हमें 100 सीट में से 7 जीत के गए, वो 305 में से जीत के गए, तो लगभग रेशो वही बैठता है। वो मान रहे हैं कि आपसे ये 7 गठबंधन करके गलती हो गई, उन्हें लग रहा है कि गठबंधन कांग्रेस के साथ तो नहीं करेंगे क्योंकि राहुल जी का और अखिलेश जी का जो गठबंधन हुआ था पिछले चुनाव में, वो उसे गलती मान रहे हैं। आपको साथ लेकर उन्हें लगता है कि नुकसान हुआ है? वो ऐसा कुछ नहीं है, वो गलती नहीं मानते। यदि गलती मानते तो वो संसद में राहुल जी के साथ ना चलते। और राहुल जी की हमेशा तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है मैं मानता कि वो राहुल जी के खिलाफ उन्हें कुछ बोल रहा है। और वो आगे भी, मुझे विश्वास है, भाजपा को घुराने के लिए टोटल दल इकट्ठे होंगे। और वो कह भी रहे हैं कि जितने भी सांप्रदायिकता को हराने के लिए जितने दल हैं हम उनको सबको इकट्ठा करेंगे। और उसमें लग भी रहे हैं, लालू जी आए थे, ममता जी आई थी, शरद पवार जी आए थे, तो एक उसी का तो हिस्सा है ये। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ से 80 MP जाते हैं, तो सबकी निगाहें यहाँ लगी हुई हैं, भाजपा की भी निगाहें हैं। लेकिन इस बार हम भाजपा को यहाँ से प्रदेश का सबक सिखाने का काम करें। यहाँ की प्रदेश की जनता ने ठान लिया कि इस बार हम उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक को नहीं जीतने देंगे। विधायक जी, चलिए अब जिले की बात करते हैं क्योंकि चुनाव तो यहीं पर लड़ना है आप लोगों को। कांग्रेस को अगर देखें यहाँ पर तो एक तरफ तो इमरान मसूद खड़े हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी है और आप लोग इमरान मसूद के साथ हैं। आपको लगता है कि अगर इमरान मसूद को कांग्रेस से बाहर निकाल दें तो कांग्रेस का कोई वजूद सहारनपुर का है, सहारनपुर में है? ये तो आप पत्रकारों वाली बात कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस खड़ी, एक तरफ इमरान मसूद खड़े। इमरान मसूद कांग्रेस है, कांग्रेस ही इमरान मसूद है। सवाल ये है कि अगर इमरान मसूद को दूसरी पार्टी में भेज दिया जाए तो क्या उसके बाद वजूद बचेगा कांग्रेस का? ये सवाल है। विचारों की मामला है ना, क्यों भेज देंगे आप? उन्होंने तो एक दिन नहीं कहा मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूँ। चल रही है ना बातें, आपको ही पता। वो तो केवल आपके बात द्वारा, मीडिया के द्वारा चल रही उन्हें, क्योंकि हमारे लगातार रोज बात होती है। रात में मेरी बात हुई, अभी भी 2 मिनट पहले मेरी बात हुई। भाजपा के लोगों कांग्रेस से यहाँ परेशान है और वो एक मीडिया के थ्रू इस तरह की हल्की बातें करने का काम करते हैं। इमरान मसूद कांग्रेस में रहेंगे, हम सब कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस के संगठन और हम लोग सब लोग के कांग्रेस को इस बार कम से कम जिले में से 5-6 सीटें जितवाने का काम करेंगे। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमरान मसूद समाजवादी में जा रहे हैं, बेहट से चुनाव लड़ेंगे, नकुड़ से किसी और को चुनाव लड़वा रहे हैं, कहीं शायान मसूद का नाम बेहट से चुनाव लड़ने का आ रहा है। तो लोग कह रहे थे कि देखिए अब नरेश सैनी जी और मसूद अख्तर का नाम तो नरेश निकाल दिया, इमरान मसूद ने अपने लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, ये इस तरीके की अफवाहों पर क्या कहेंगे? इस तरह की केवल ये अफवाहें हैं, दूसरे दल के लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ना तो इमरान मसूद ने किसी के सामने कहा, ना हम लोग कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी फाइनल कर दिया है, भेट से नरेश सैनी का टिकट फाइनल कर दिया है कांग्रेस ने, इतिहास से मसूद अख्तर का कर दिया है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसी बात को तो लेकर कह रहे थे कि कांग्रेस ने तो फाइनल कर दिए लेकिन इमरान मसूद किसी और को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। कुछ मतभेद हैं अंदर पार्टी के अंदर या आपके उनके संबंधों में कोई मतभेद हैं? हमारे उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक हैं। परसों प्रोग्राम भेंट में होगा, आप देख लेना, सब साथी, सारे जिले के नेता भेंट में मिलेंगे आपको। उसमें आपको एहसास हो जाएगा कि कांग्रेस एक है और एक रहेगी। हैंडपंप विवाद को लेकर बहुत बातें हुई विधायक जी, कि हैंडपंप विवाद जितने प्रमुखता से आप लोगों ने उठाया था
वो इतना चल नहीं पाया, कहीं ना कहीं इमरान मसूद उसमें बैकफुट पर रह गए, या वो इतनी कोशिश कर नहीं पाए, या इमरान ने ये कह दिया था कि छोड़िए बस इस मैटर को यहीं क्लोज कर दीजिए, नहीं तो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की बातें फिर होने लगेंगी, कैसा ऐसा हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं है, इमरान मसूद ने तो ये कहा कि सही ख़त्म कर दो, जब कोई विवाद था उसका हल हो गया, वो तो स्वाभाविक है वो समाप्त हो जाएगा। नल घटा और नल दोबारा प्रशासन ने लगा दिया, पहले 60 फीट का था गहराई का, इस बार 260 फीट गहराई का लगा, तो फिर तो कुछ वो ही नहीं रहा और ना हम बैक फुट पाए। जिस बात को लेकर हम लोगों के बीच में गए थे, अधिकारियों से भिड़े थे, तो हमारी बात को मान लिया, तो हम कहाँ बैक फुट पाए? बैक फुट पर तो प्रशासन हुआ, क्योंकि प्रशासन ने कटवाया था, प्रशासन ने लगवाया, बैक फुट पर कौन होया? प्रशासन होया ना। चलिए अब एक बात, एक दो सवाल और। इमरान मसूद को सपा में जाने की बहुत बातें चल रही हैं, क्या आप मीडिया के थ्रू जनता को ये विश्वास दिला सकते हैं कि इमरान मसूद कांग्रेस में ही रहेंगे? निश्चित तौर से इमरान मसूद कांग्रेस में रहेंगे, हम सब कांग्रेस में रहेंगे, ये सब अफवाहें हैं। और क्योंकि इस कांग्रेस की ताकत को देख के सहारनपुर में विपक्षी दल घबराए हुए हैं और बेचैन हैं, उनकी नींद खराब हो रही है, तो मैं समझता हूं कि 100% इमरान मसूद हम सब कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस से मजबूती से सहारनपुर का अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल ये है, इस बार दो विधायक तो फाइनल हो गए हैं, क्या और ऐसे कोई नए चेहरों को कांग्रेस लेकर आएगी विधानसभा का चुनाव लड़वाने के लिए, या जो पुराने चेहरे हैं उनको ही मैदान में उतारा जाएगा कांग्रेस से? ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का काम है, किसको लेकर आएंगे, और वो अच्छे कैंडिडेट को लेकर आएंगे, जो भी आए, चाहे नए आए चाहे पुराने आए, उनका सर्वे चल रहा है, उस सर्वे के आधार पर हर सीट से हमारा कैंडिडेट उतरने का काम होगा। चलिए बहुत धन्यवाद नरेश सैनी जी हमसे बात करने के लिए। तो कैंडिडेट पार्टी संगठन के हिसाब से तय होगा और क्या होगा सहारनपुर में कांग्रेस का भविष्य, ये देखना बेहद अहम होगा। इस वीडियो में बस इतना। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।